तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल धनय फॉर यू। सो लेट्स सी द बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टुडे। सो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बट देयर आर सम टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट वी हैव शॉर्टलिस्टेड दैट आर दैट फर्स्ट वन इज अमेज़ॉन। Amazon is one of the largest e-commerce platform in the world. तो Amazon का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और Amazon से शॉपिंग भी आप सभी ने की होगी। तो Amazon जो है उसकी सर्विसेज बहुत सारी है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, और Amazon का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। और जितने भी सेलर्स अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है अपने बायर्स तक पहुंचना। अब आते हैं हम सेकंड नंबर के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो कि है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जो है वो भी एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि 2007 में बनी थी, और ये भी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फ्लिपकार्ट पे बेसिकली जो हमने चीज़ नोटिस की है वो ये चीज़ है कि फ्लिपकार्ट पे बहुत चीप रेट्स में बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत अफोर्डेबल रेट में मिलते हैं। फ्लिपकार्ट का भी बहुत लार्ज कस्टमर बेस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में हो, चाहे वो ग्रॉसरीज हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, फ्लिपकार्ट पे हर चीज़ अवेलेबल है। Among the top e-commerce platform, the third one is eBay. eBay एक American e-commerce platform है जो कि 1995 में बना था, and it allows sellers to list their product for sale and offers a range of services. इसमें भी बहुत सी सारी services होती है, और इससे eBay से हम अपने इंडिया में तो कस्टमर बेस बना ही सकते हैं, और आउट ऑफ इंडिया भी हमारा कस्टमर बेस बहुत अच्छा बनता है। तो ये सेलर्स के लिए बहुत अच्छा है ईबे भी। जो फोर्थ नंबर पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो है स्नैपडील। तो स्नैपडील जो है इट इज़ फाउंडेड इन 2010, और ये भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सेलर्स को पेमेंट रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, ताकि वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक, पोटेंशियल बायर्स तक पहुंच पाए। स्नैपडील पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और आप देखेंगे कि आपको इधर भी हर टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्लेटफॉर्म के नीचे आप हर चीज़ बाय कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे सिक्स नंबर के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो कि है आजियो। आजियो जो है वो रिलायंस रिलेटेड की एक प्लेटफॉर्म है, एक कॉमर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि ज़्यादातर फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। आजियो का भी बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, और ये भी सेलर्स को बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आजियो पे भी आप देखेंगे कि आपको आपके लिए फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, आपको वो सारी चीज़ें आजियो पे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंडर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, और आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल भी कर सकते हैं एंड बाय भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ सेलर तो आप बहुत अच्छे से डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करना है, उस टाइप से आप अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए। आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिए कि कमीशन और फीस क्या चार्ज हो रही है हर प्लेटफॉर्म की तरफ से, उसके बाद ही आप चूज़ कीजिए अपने लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और बहुत से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में फ़ीस ज़्यादा भी रहती है। आप ये भी देखिए कि सपोर्ट और रिसोर्सेज क्या मिल रहे हैं, आपको सर्विसेज क्या मिल रही है उन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से। अगर आप सेलर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड हम बहुत सी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो ई कॉमर्स रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो GST रिलेटेड हो। तो आप कनेक्टेड रहिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।